हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में बस की महिला कंडक्टर को एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा की गई पिटाई का कथित वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि दरअसल विवाद तब हुआ जब महिला पुलिसकर्मी ने बस का किराया 15 रुपए देने से इनकार कर दिया और बस कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर के अनुसार पुलिस कांस्टेबल रजिता कुमारी महबूबनगर से 23 किलोमीटर दूर नवाबपेट ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी। कुमारी का दावा है कि घटना के वक्त वो ड्यूटी पर थी और उन्होंने यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी, इसलिए उन्होंने टिकट ना लेने के लिए कहा, लेकिन कंडक्टर ने ये मानने से इनकार कर दिया। कंडक्टर ने कहा कि सिर्फ पुलिस अधिकारी ही बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं। महिला पुलिसकर्मी ने आगे कहा कि एक कंडक्टर को पुलिसकर्मी से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। वहीं वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इससे दोनों की बहस मारपीट में बदल गई। शोभा रानी ने नवाबपेट पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां रजिता कुमार तैनात हैं। हालांकि कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए परिवहन निगम के कर्मचारियों ने कल प्रदर्शन किया और बाद में महबूबनगर में एक रैली भी निकाली। उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को निलंबित करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंडक्टर ने जब महिला कांस्टेबल से टिकट खरीदने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। घटना पर प्रतिक्रिया करते हुए महबूबनगर की पुलिस अधीक्षक भी अनुराधा ने कहा कि उन्होंने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जांच की रिपोर्ट आने के बाद कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल को महबूबनगर पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है।